दोस्तों बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को लेकर कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए इस वक्त की दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम के छात्र हैं, कक्षा 10वीं या 12वीं के छात्र हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज की कोई सी भी जानकारी को मिस मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ हमें कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं, ताकि कि आपके राज्य से जुड़ी जो भी बड़ी खबर निकल कर आए हम आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज की जो पहली और सबसे बड़ी खबर है वो यूपी बोर्ड से निकल कर आ रही है। दोस्तों, यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट अब तैयार हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के गोपनीय विभाग की टीम रिजल्ट को क्रॉस चेक करने के कार्य में जुटी हुई है। और दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट किसी भी पल जारी हो सकता है। रिजल्ट की घोषणा बीते डिप्टी सीएम द्वारा किए जाने की बात अधिकारी कर रहे हैं। दोस्तों, यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए अच्छी खबर है कि उनका रिजल्ट किसी भी पल जारी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आज की अगली और दूसरी सबसे बड़ी खबर को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है, किसी भी पल आपका रिजल्ट आ सकता है। कुछ दिनों पहले, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पहले जम्मू कश्मीर ने कक्षा 10वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी किया था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने, अब कल एक और राज्य ने, यानी कि दोस्तों एमपी बोर्ड ने भी कल कक्षा 10वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसे आप mpbse.nic.in पर जाकर के आसानी से चेक कर सकते हैं। तो जो भी एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्र थे उनके लिए अच्छी खबर है। अगर आपको हमारी आज के वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।